गुड मॉर्निंग दोस्त, मैं आपका दोस्त बनारसी दोस्त। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ये देखिए, ये मेरी छोटी सी बगिया है छत पे। कुछ पौधे गर्मी की वजह से सूख गए हैं। ये देखिए, कपड़े फैलाए हुए हैं यहाँ पर। रात में लाइट नहीं आई थी, इन्वर्टर भी, छोटा सा इन्वर्टर है, कितना देर चलेगा ये देखिए। इसलिए छत पे सोए थे हम लोग। और फिर सारे बिस्तरों को जो है डाल दिया है ताकि थोड़ा सा हवा लग जाएगी, वरना उसमें से महक आने लगती है। नमी रहती है तो महक आती है। मौसम भी बड़ा खूबसूरत हुआ है, देखिए बहुत ही खूबसूरत मौसम है। बदली लगी हुई है और वेदर रिपोर्ट के हिसाब से आज बारिश होगी, लेकिन वेदर रिपोर्ट में रोज़ दिखाता है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश नहीं होती है। कल लगभग लग 1 घंटे हल्की बारिश हुई थी, ठीक ही ठाक बारिश हुई थी, वो भी हमारे इस तरफ के खेत आबादी वाले इलाके में बारिश हुई, और आबादी से उधर जो है बारिश नहीं हुई थी। क्या कर सकते हैं, ये तो ऊपर वाले की देन है। और मेरा घर बहुत ही खूबसूरत लोकेशन पे है, ये देखिए हर तरफ मेरे घर के चारों ओर जो है पेड़ लगे हुए हैं। ये देखिए, यानी मैं एकदम खूबसूरत लोकेशन पे हूँ, चारों ओर घर के पेड़ लगे हैं। और ये देखिए, आज कल बारिश होने की वजह से मौसम ठंडा था, इसलिए कोहरा भी गिरा हुआ है। विजिबिलिटी कह सकते हैं 300 मीटर के आसपास की है। ये देखिए, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे, बहुत ही अच्छी लोकेशन पे मेरा घर है। ये देखिए पेड़ लगे हुए, ये मेरे घर का रास्ता है उस तरफ से। आम का पेड़ लगा हुआ है, नीम के पेड़ लगे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत है। शांत माहौल में मेरा घर है, क्योंकि सड़क से थोड़ा सा दूर है, इसलिए शोरगुल इतना नहीं होता है। मम्मी फोन कर रही है नीचे से, चलते हैं, फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं और नाश्ता करते हैं, फिर देखेंगे तो खेत उठ जाएंगे या फिर कहीं घूमने जाएंगे। ये देखिए, मम्मी ने लगाया है ताकि किसी की नज़र ना लगे, सब टोटके हैं। वो देखिए, उधर गाय बंधी हुई है, उसकी बच्चिया है, ये झोपड़ी है, हम लोग की भाषा में इसको मड़ई बोलते हैं। ये बगल में मेरे चाचा जी का हिस्सा है, इसी इसमें मक्का लगाई हुई है, हम लोग इसको जोनहरी बोलते हैं, बाल बोलते हैं। आप लोग के घर पे क्या बोलते हैं कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए, नीम का पेड़ यहाँ भी लगा हुआ है। हम लोग काफ़ी प्राकृतिक प्रेमी हैं, पेड़ हमेशा लगाते रहते हैं। और ये देखिए, पानी भरा हुआ है, कुछ नहर का पानी है, कुछ बरसात का पानी है, कुछ ट्यूबवेल का पानी है। फसल तो उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि फसल उतनी अच्छी नहीं है। इस महीने के बाद धान की फसलों में गोभ आना शुरू हो जाएगा, या इसी महीने में आ जाएगा, अगले महीने में उसमें फुटाव आ जाएगा, यानी उसमें से जो है धान की बाल निकलने लगेंगी, बालियां निकलने लगेंगी। ये देखिए कितना अच्छा मौसम हुआ है, ये देखिए चिड़िया उड़ के जा रही है, ये देखिए कौवा भी उड़ के जा रहा है, काफ़ी पक्षी रहते हैं, नुकसान तो थोड़ा सा करते हैं। जो छत पर डाला जाता है सुखाने के लिए, वो कर देते हैं उसको,
बिखेर देते हैं, जूठा कर देते हैं, पूजा के लिए तो जूठा करते हैं। वो देखिए वहाँ पे पानी पीने के लिए इन लोगों के लिए रखा हुआ है, और ये चूल्हा है जिसको बरसात की वजह से ढक के रखा हुआ है हमने। और इस तरफ मेरे देखिए आबादी, हर तरफ देखेंगे मेरे यहाँ ग्रीनरी बहुत है, पेड़ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। ये बरगद का पेड़ है और ये बबुल का पेड़ है, ये यूकलिप्टस है, हमारे यहाँ सफ़ेदा भी बोलते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें हैं। उम्मीद करता हूँ मेरा एक छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आएगा। व्लॉग आए पसंद आए तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।